हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलबाग मेहता। डीटीएच अपडेट्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीडी फ्री डिश एलसीएन लाइनअप की जो लिस्ट प्रसार भारती की तरफ से निकाली गई है, वो मैं आपको यहां पर पूरी फाइल दिखाने वाला हूं। और यदि आप उस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहाँ से उस लिस्ट को फाइल को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि वो कौन सी लिस्ट है जो प्रसार भारती जी की तरफ से आउट की गई है। जी हाँ दोस्तों, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको बेटर दिख सके। तो देखिए दोस्तों, डीडी फ्री डिश एलसीएन लाइनअप जो है, लिस्ट जो है वो निकल चुकी है, जो कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाली है, यानी कि आज से ये लिस्ट लागू हो चुकी है। इससे पहले कि हम चैनलों की डिटेल जाने दोस्तों, उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि डीडी फ्री डिश की जो सर्विस है हमें किस सैटेलाइट से मिलती है। दोस्तों, ये सर्विस हमें जी सेट 15 से दी जाती है, जिसकी लोकेशन है 93.5 डिग्री ईस्ट। तो इसके साथ ही दोस्तों, अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं कि कितने ट्रांसपोंडर्स हमें प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर 6 ट्रांसपोंडर्स हमें दिखाए गए हैं जो प्रसार भारती की तरफ से चलाए गए हैं जी सेट 15 से, जिसके थ्रू हमें ये डीडी फ्री डिश की सर्विस मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं एलसीएन के बारे में। तो दोस्तों, पहला जो एलसीएन है वो डीडी न्यूज़ को दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो एलसीएन है वो डीडी न्यूज़ को दिया गया है, दूसरा एलसीएन डीडी नेशनल को दिया गया है, इसी तरह से तीसरा, चौथा, आप देखेंगे तो पूरी लिस्ट आपके आगे है। और यदि हम बात करें लास्ट चैनल की, तो लास्ट चैनल जो है वो है 114 एलसीएन पर, जो कि है न्यूज़ 24 थिंक फर्स्ट। ये चैनल 53rd ई ऑक्शन जो हुई थी हाल ही में एमपैक 4 स्लॉट्स के लिए, उसमें ये चैनल विनर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब नीचे आपको ले चलते हैं तो हम देखते हैं कि रेडियो चैनल्स भी हमें मिलते हैं डीडी फ्री डिश के ऊपर। इसमें सबसे पहला जो रैंक दिया गया है, पहली जो एलसीएन दिया गया है, वो दिया गया है एयर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ को दिया गया है, और दूसरा दिया गया है ऑल इंडिया न्यूज़ ऑल इंडिया रेडियो तेलुगु को। दोस्तों, इस तरह से आप देखेंगे 48th जो स्लॉट है या 48th जो एलसीएन है वो दिया गया है ऑल इंडिया रेडियो एंड हुड SER2 ये चैनल को। तो यानी कि टोटल जो रेडियो चैनल है दोस्तों, वो 48 चैनल हैं। तो इन सब के अलावा हमें दोस्तों इस डीडी फ्री डिश के माध्यम से एजुकेशनल चैनल भी मिलते हैं, जो कि इन नंबर 51 हैं। जी हाँ दोस्तों, 51 हमें एजुकेशनल चैनल मिलते हैं, जो कि हमें TS7, TS8 और TS9 के थ्रू मिलते हैं। इसमें हमें दोस्तों डीडी स्वयं प्रभा के चैनल भी मिलते हैं, इसके साथ ही हमें जो होते हैं डीडी ई विद्या के चैनल भी मिलते हैं, और इसके साथ ही हमें बंदे गुजरात के चैनल भी मिल जाते हैं। जैसे हम नीचे चलते हैं दोस्तों, जहाँ पर हमें डीजी शला का चैनल भी मिल जाता है। तो जहाँ तक देखा जाए, टोटल चैनल हो जाते हैं 167। ये पूरी लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फाइल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी इस पूरी लिस्ट को देख सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।